हेलो दोस्तों, मेरे पास कमेंट आया है मोहम्मद साजिद का। ये मुझसे पूछ रहे हैं, सर फ्लिपकार्ट का जीएसटी रिटर्न प्रोसेस बताइए। जीएसटी रिटर्न का क्या प्रोसेस है फ्लिपकार्ट का? इस टॉपिक में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, मोहम्मद साजिद ने मुझसे पूछा है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं सेलर नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट का जीएसटी जो पर्पस है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होएगी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह मोहम्मद साजिद ने हमें कमेंट करके पूछा, जो उनके माइंड में क्वेश्चन था या जो उन्हें प्रॉब्लम थी, इसी तरह आप भी मुझे कमेंट करिए। जो आपके माइंड में क्वेश्चन है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं फ्लिपकार्ट की जीएसटी रिटर्न कैसे निकलती है, कैसे डाउनलोड होती है और फिर वो जो आप अपने सीए को दोगे। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें अपना फ्लिपकार्ट पैनल ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर रिपोर्ट में जाना है और इसके नीचे रिपोर्ट सेंटर पर क्लिक करना है। जब आप रिपोर्ट सेंटर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो रिपोर्ट में डाउनलोड कर चुका हूँ पहले ही। तो बट आपको न्यू रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो हमें यहाँ पर क्रिएट न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है रिपोर्ट टाइप में। आप जब टाइप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पांच ऑप्शन आएंगे, कौन कौन सी आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। लेकिन हमारे पास मोहम्मद साजिद जी का कमेंट जो आया है, वो बता रहे हैं कि मुझे जस्टिफाई करने के लिए चाहिए, तो उसके अंदर मेन जो रिपोर्ट है वो है टैक्स रिपोर्ट, क्योंकि उन्हें टैक्स रिपोर्ट जो है सीए तक पहुँचानी है। रिपोर्ट सब टाइप पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ये हमारे पास तीन ऑप्शन आ चुके हैं, हमें इनमें से तीनों रिपोर्ट जो है हम अपने सीए को दे सकते हैं। बट वो आपका सीए बताएगा उसे कौन सी रिपोर्ट चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मेन रिपोर्ट होती है वो है जीएसटी आर रिटर्न रिपोर्ट। हमें यहाँ पर क्लिक करना है जीएसटी आर रिटर्न रिपोर्ट पे, रिटर्न क्योंकि हमें फाइल करनी है। टैक्स रिपोर्ट एंड जीएसटी आर रिटर्न रिपोर्ट दोनों हमने फिल कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट को जो है सिलेक्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट डेट रेंज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारे से पूछेगा आपको कौन से महीने की रिपोर्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं मार्च की रिपोर्ट। अब हमने मार्च पर क्लिक करा और यहाँ जनरेट पर क्लिक कर दिया। दोस्तों ये हमारी रिपोर्ट जो है जनरेट हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं दो रिपोर्ट ये पहले से जनरेट कर रखी थी मैंने, जिस पे डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है। बट ये मैंने तीसरी वाली अभी डाउनलोड करी है। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, आप ये देखिए क्वेड लिखा हुआ आ रहा है। बट अब हमें इसे जो है रिफ्रेश करना है दो मिनट रुकने के बाद। जब हम दो मिनट रुकेंगे उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, मतलब ये रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। हमें इस डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ऊपर ये आ चुका है हमारे सामने, रिपोर्ट हैज बीन डाउनलोड। ये रिपोर्ट जो है हमारी जनरेट भी हो गई, डाउनलोड भी हो गई। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। अब हमें इसे अपने जिप फाइल में ओपन करना है और अपने सीए को सेंड करनी है। इसी तरह इजीली आप टैक्स रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, सब रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अपनी जीएसटी जो है फाइल करा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो आपने देखा मैंने कैसे इजीली रिपोर्ट, फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड कर ली। आप भी इसी तरह जाइए, अपनी जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करिए और अपने सीए को सेंड करिए और अपनी जीएसटी फाइल कराइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आपके माइंड में क्वेश्चन है आप भी मोहम्मद साजिद की तरह मुझे कमेंट करिए और उस टॉपिक पर फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।